गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुभम RR310। और मैं हूं शुभम गुप्ता। आज लेके आया हूं आपके लिए मारुति 800 का क्रॉस बार रिप्लेसमेंट। तो आप देख सकते हैं, ये है मेरा मारुति 800 कार और इसका क्रॉस बार जो कि रेडी वाटर के नीचे होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये टूट गया है। यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर टूट गया है और इसको रिप्लेसमेंट करना होगा, क्योंकि अगर वेल्डिंग करके इसको वेल्डिंग करवाते हैं तो आपको मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 महीना ही चल पाएगा। और देखिए, ये टूटने की वजह से मेरा जो टायर का गोटी है वो भी पूरा प्लेन होते चला गया। ये देखिए टूट के ये नीचे लग गया है, ये देखिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे रिप्लेसमेंट, तो इसके लिए मैं ऐसे नया में तो आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा पार्ट्स, तो उसके लिए मैं नया लेने तो नहीं गया, मैं सेकेंड हैंड ही गया जो कि कबाड़ी में मुझे मिल गया और वो भी ओरिजिनल ही मिला है। तो वो थोड़ा सा रस्ट था, रस्ट को मैंने घिस कर हटा के उसके ऊपर फिर से एक नया कोट पेंट का लगा दिया, उसके बाद वो नया जैसा हो गया है। अब मैं उसे फिट करूँगा, पहले इसे मैं खोल लेता हूँ। चलिए तो फिर मिलते हैं खोलने के बाद, ठीक है। तो तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को तो आप देख सकते हैं कि मैंने सामने का बम्पर खोल दिया है और ये है रेडी वाटर ये, और इसके नीचे वाला जो ये है इसे क्रॉस बार बोलते हैं। ये देखिए ये कैसे टूट के नीचे लटक गया है, पूरा काफ़ी बुरी तरह ही सड़ा है ये, ये देख सकते हैं। तो इसे ही मैं चेंज करूँगा, ठीक है। तो चलिए इसे खोलता हूँ, उसके बाद फिर खोल के आपको दिखाता हूँ कि और कितना टूटा है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरा क्रॉस मेंबर खुल चुका है और यहाँ से देखिए मेरा जो सड़ा था, मतलब जंग लग के देखिए यहाँ से टूट के अलग हो गया था, उसका टुकड़ा वहाँ पे है। और जो मैंने पेंट करके नया लाया था तो पेंट करने के बाद ये इस तरीके का एकदम न्यू लुक हो गया है। और ये है पहले का, जो मैं जब खरीद के लाया था उस समय ऐसा दिख रहा था। फाइनली सारा अच्छा से हो गया है वेल्डिंग वगैरह, अब इसको है कि बम्पर फिट करना। अब देख लीजिए ऐसे ना सर गया है, अब बम्पर फिट करके रेडी करना है और कुछ कूलेंट वगैरह डालना होगा, टैपेट का मोबिल लीक कर रहा है उससे ठीक करना है। चलिए करवाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बम्पर फिट हो चुका है और बम्पर फिट होने के बाद इंजन का ऊपर का कवर खुला है जहाँ से मोबिल लीक हो रहा था। और लीक होने का वजह यह था कि थोड़ा सा पैकिंग का जो गैसकेट लगता है, मतलब गैसकेट का ग्लू होता है, वो ठीक से चिपका हुआ नहीं था, तो उसकी वजह से लीक हो रहा था। तो लीक होने के कारण ही लीक हो रहा ऑयल जो है यहाँ से लीकेज कर रहा था। तो इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, यहाँ का जो ये पैकिंग है वो सही है, तो पैकिंग के ऊपर से हम फिर से ग्लू लगाएंगे जिसे हम गैसकेट ग्लू कहते हैं, और उसके बाद लगाने के बाद फिर से इसको फिट कर देंगे तो वो चूना बंद हो जाएगा। तो चलिए करते हैं और फिर मिलते हैं। तो फाइनली अब सारा फिट हो के रेडी हो गया मेरा गाड़ी, अब इसे देखते हैं चला के कैसा रहता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।